अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नकवी और आज है खुशियों का दिन। और जब बात होती है खुशियों की और बड़ी ईद, तो बड़ी खुशी और बड़ी शख्सियत। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप आज के दिन देखना चाहेंगे भी और बहुत खुश होंगे कि वाह ज़बरदस्त मज़ा आ गया, और मज़े मज़े की बातें, मज़े मज़े के जायके आज के प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। बात जब शख्सियत की हो तो जिस शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जब आप उन्हें देखेंगे तो एक तासुर यही है कि इंतहाई नफीस शख्सियत, बहुत शाइस्तगी के साथ, बहुत महज़ब अंदाज और साथ साथ हाथों में इंतहाई लज्जत और जायका। यकीनन आप पहचान गए होंगे, थोड़ा थोड़ा पहचान गए, मुकम्मल पहचानने के लिए यकीनन आपको मिलना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की शेफ़ हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ कुकिंग सिखाती हैं, बताती हैं, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके, आदाब, तहजीब, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी शख्सियत में मौजूद हैं। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज मौजूद हैं हमारे साथ इस बड़ी ईद पे एक बड़ी खुशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। आपने आपकी खास आपको भी बहुत मुबारक हो, और इस दिन आपने हमें वक्त दिया है तो ये तो बड़ा ही मज़ा आ गया है। आपके साथ तो पहले भी काम किया है जी, और अल्लाह ताला, बस बहुत खुशी होती है आपसे भी बात करके, मिलके, और अच्छे आप प्रोग्राम कब से कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ईद का मौका है, खुशियों की बातें हैं, और खुशियां जब आती हैं तो हर तरफ एक अलग ही मौसम और मिजाज हो जाता है। हालांकि गर्मियों में ये शदीद गर्मियों में ये त्यौहार आया है, बचपन से कैसे मनाती थी ईद? ईद बहुत सारी यादें वाबस्ता होती हैं, जब आपके वालदैन हो और जब आप छोटे से बड़े हो रहे हैं, जो आप जो मैं देखती आई थी जी जी। तो मेरी कोशिश ये थी जैसा मेरे घर में होता था अम्मी पापा के साथ, वो ही मैं भी करूं, और मैंने अच्छा। बहुत कोशिश करी कि वो मैंने अपनाई वो चीज़ें, क्योंकि ये हमारे वैल्यूज़ हैं। सही, क्योंकि आज के वक्त में वो वैल्यूज़ ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए बिल्कुल। और मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ईद पे हमारे घरों में या आपके घर में कहीं ये सोने की बातें होती हैं। ओहो, हर एक के घर में सोना है, थक गए हैं, और ना मैं मुझे ये अल्फाज याद है कि कभी हम बोर हो रहे हैं, ये अल्फाज ये नहीं होते थे। और मैंने अपने बच्चों को भी कभी अलाउ नहीं किया ये अल्फाज, बोर का मतलब क्या है। और ईद जो होती थी, ईद से बहुत पहले से खुशियां शुरू हो जाती थी। बिल्कुल। और बकरीद पे होता था, जब जानवर आते थे तो उसको लेके कब से रखते थे, और किसी को ये नहीं लगता था हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, बस एक ये चीज़ें करनी थी बिल्कुल। और क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो सबसे बड़े भाई थे, अच्छा, तो सब आम दिनों में भी, जैसे जुम्मा हो या रजब हो या शाबान हो, रमज़ान तो है, तो हर कोई जुम्मे के दिन भी हमारे यहाँ आते थे। अच्छा, मेरे नमाज के बाद आ गए सब। नमाज से पहले, अच्छा, नमाज से पहले चाचा वगैरह, बच्चे उनके, फिर यहीं से मुझे याद है सब कुर्ता पजामा, तो मुझे बच्चों के लिए भी ये लगता था अपने बस कुर्ता पजामा पहने, वो एक था कि जुमा कंपलसरी है ये ड्रेस कोड बिल्कुल। और फिर सब खाना साथ खाते थे, ठीक है। बकरीद पे भी हमारे ये होता था कि सब सुबह आते थे, अच्छा, और फिर आके फिर नमाज पढ़ने जाते थे। सही, नमाज पढ़ के जब आते थे फिर नाश्ता होता था, अच्छा, और अम्मी जल्दी जल्दी से वो कलेजी, जैसे एक होता है कि वो दोपहर तक कलेजी बन रही है, हमारी यहाँ सुबह ही अम्मी वो बनाती थी, नाश्ते ही में बनती, बिल्कुल। आज मेरे घर आज तक यही नाश्ता होता है, क्योंकि मेरे जो मियाँ हैं वो सबसे बड़े हैं, बड़े भाई थे खुर्शीद भाई, जमशेद भाई, तो मगर उनका इंतकाल हो गया, तो अब हमारे यहाँ ही नाश्ता होता है, सब यहीं जमा होते हैं, चाहे वो मीठी ईद का हो, सब यहाँ आते हैं, सलाम करते हैं, फिर नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर नाश्ता होता है। और बकरीद पे ही होता है कि मुझे याद है कि अम्मी जब कलेजी बनाती थी, अब टाइम ज़रा डिफरेंट हो गया है, टाइम शॉर्ट भी होता है, और आपको हर चीज़ जल्दबाजी में, उस वक्त इतनी वैरायटी नहीं होती थी खानों की, ऑप्शन सादगी थी बिल्कुल, एक दो चीज़ें, अब जो है सब। और फिर पता है मैं अपना ये अब सोचती हूँ कि आप जितना बनाते ना, फिर वो कंपटीशन हो जाता है फैमिलीज़ में, जितना हल्का रखें, मगर वो होता नहीं है हल्का। तो अब मैं कलेजी का क्या करती हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ
वो दोपहर वाली कलेजी तो अलग बनती है, सही, मगर सुबह क्योंकि वो होता है ना रोजा खोलना ही उसी से है, हाँ, गोश्त हाँ, से तो मैं बहुत छोटे छोटे से पीसेस बनाती हूँ कलेजी के, हाँ, और उसको कच्चा पक्का नमक काली मिर्च और नींबू डाल के करके टूथपिक लगा के सबने अपना रोजा खोल लिया से, बस फिर आप दस्तखान पे लगे रहे। जबरदस्त, ये तरीके होते थे जो आज तक, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है, हो रहे हैं। अच्छा, ये तो तरीके थे और एक अंदाज थे, जो भी मामला थे। बचपन में ईद पे आपके क्या एक्साइटमेंट होती थी? ये तो अब बड़ी हो गई है ना, तो अब ये तो आप बड़ों वाली बातें बता रही हैं। एक्साइटमेंट उस वक्त आपको, आपको भी पता होगा, सबके घरों में सब सादा लोग होते थे, सही, तो कोई इतनी बड़ी बड़ी कोई ख्वाहिशें नहीं होती थी, कपड़े जूते ईदी यही चीज़ें होती थी ना, ईद वाले दिन। सही बात है। और सुबह सोने की जो आपने बात की, तो अब्बा का खौफ कितना होता था कि नमाज से आएंगे तो सब तैयार मिले, ईद के कपड़े पहने हुए होने चाहिए, चूड़ियां भी होनी चाहिए, सब कुछ, और कोई काम नहीं था ना, हाँ, तो इसी में सब थे। और सो तो सकते ही नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने कहा भी नहीं कि सोना है या नींद आ रही है या पापा कहते हो, हाँ, नहीं नहीं, ये सोने नाम की तो कोई चीज थी नहीं, ना बोर होने के, थक गए रात को जाग रहे थे, एक आम दिन होता था ईद तो का। आप तैयार होती थी सुबह सुबह, सब नमाजें पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, सब आएंगे, फिर आपको ईद की नमाज, फिर सबके यहाँ मिलने जाना है। अच्छा, तो वक्त बहुत ही अच्छा था। और जब शादी हुई तो हमारे यहाँ ये होता था कि जब तो सास के ही नाश्ता होता था, ये तो उनके बाद मेरे यहाँ हुआ है, तो सबको जाना है ससुराल। अच्छा, तो सब वहाँ जमा होते, इतना अच्छा लगता था, तीन दिन छुट्टियाँ होती थी, हमको जाना जरूर है, ससुराल ही जाना है। अच्छा, तो सब, और वहाँ ये भी अच्छा था कि सारे बड़े जहाँ हैं वहीं पे सब जमा, पे सब जमा है, नंदे भी तो बच्चे उनके साथ, तो हमारी जो फैमिलीज है ना उसमें क्लोजनेस बहुत है, बाउंडिंग बहुत है, सही, सही। और ये आई थिंक आज के वक्त में बहुत, बिल्कुल। अच्छा, आपा अभी आप बात कर रही थी, नाजरीन को शायद इस बात का इल्म नहीं, जमशेद अंसारी आपके जेठ थे, मेरे मियां के बड़े भाई थे, बड़े भाई थे, सबसे बड़े खुर्शीद भाई थे, बिल्कुल, फिर जम भाई थे, सही, फिर मेरे मियां थे, ये लोग माशाल्लाह सात, फिर बात, वो तो लेजेंड हमारे, वो तो बहुत इंडस्ट्री के भी बहुत अच्छे, बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन, और बहुत सादा जी, और जैसे थे वही थे वो। मैं मियां को कहती हूँ, बहुत दफा कहती थी जब, मैंने कहा जम भाई एक्टर नहीं थे, एक्टर आप हैं, जम भाई जो थे बहुत सादा आदमी, बहुत सही, सही। बहुत ये तो क्या क्या एक्टिंग कर लेते हैं मेरे में? आपकी नहीं, 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 एक्टिंग नहीं करते, वो जिस तरह बात करते हैं मैं उसको अच्छा। कह रही हूं, जंबाई जो थे ना वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नफीस तरीन आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आपने इस फील्ड में आई, शोबिज में आई, लेकिन शोबिज में आप एक अलग पहचान से आई कि कुकिंग एक्सपर्ट के तौर पर आई, ये प्लान आई या बस हो गया तो हो गया? प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जरा वो बताएं कैसे आना वो हुआ? मैं इस तरह आई कि शादी के एक साल बाद मेरा जब बेटा पैदा हुआ खुसरो, तो हम दुबई शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, वो एक महीने का था, मैं दुबई शिफ्ट हुई, फिर हम रहे वहाँ कोई 10-12 साल दुबई। अच्छा, अच्छा, खाना बाकी बच्चे भी दुबई में ही हुए थे? नहीं, एक बेटा हुआ था वहाँ। अच्छा, समीर, और फिर हम वापस आ गए थे। जब हम दुबई गए, अच्छा, खाना पकाने का मुझे एज सच कोई इतना ज़्यादा शौक था, मगर ऐसा नहीं था कि अच्छा। बस क्योंकि वक्त ही करना, मतलब मैं आपको बताऊँ, उस वक्त जो शौक होते थे ना, जो हमारी अम्मियाँ खाने बनाती थी, वो पक रहे हैं तो पक ही रहे, खीर है तो ज़्यादा ही बनेगी क्योंकि सबके यहाँ बटेगी, फिर उसको घोटते रहो। आजकल तो शॉर्टकट, चावल पीसो जल्दी से बनाओ, कढ़ी को आजकल मैं जब सुनती हूँ कि 20 मिनट में कढ़ी बन जाती है, नहीं, ऐसी कढ़ी तो नहीं बनाती नहीं, मेरी अम्मी तो बहुत पकानी पड़ती है, छाछ से बनती थी बड़ी, बिल्कुल इस तरह बनता था, तो मैं उन चीज़ों से भागती थी, मुझे उलझन होती थी, ये आई थिंक लॉन्ग प्रोसेस आपको। हाँ, मुझे सजाने का बहुत शौक था क्योंकि अम्मी को बहुत था, ठीक है, और खाना पकाने का हर लड़की को, आज मैं जब क्लासें भी देती हूँ, हर लड़की बेकिंग से शुरू करती है या चाइनीज पे, बेकिंग मस्त है, तो मुझे भी बेकिंग और सैंडविचेस और कोई भी आए तो मैं सजा के करूँ, तो अच्छी प्रेजेंटेशन के, हाँ, साथ प्रेजेंटेशन, तो फिर सब तारीफ करते थे और शौक हो गया। खैर, अब जब मेरी मंगनी हुई, तो जब मेरी नंदे या ससुराल वाले आते थे तो कुछ भी हो तो वो इतनी तारीफ, तो वो जो तारीफ होती है ना वो आपको आगे बढ़ाती है, इनकरेजमेंट मिलती है, अब ठीक है। तो खैर, वो उससे शौक है, फिर मैं जब दुबई गई,
तो वहाँ कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है, वहाँ पे लेबनीज भी हैं, तो सभी लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं। तो जब मैंने दावत करी तो सबको पसंद आई, वो तारीफ हुई, फिर और इससे अच्छा करो, इससे अच्छा, तो मैंने वहाँ, मुझे फिर वहाँ शौक हुआ, तो मैंने लेबनीज खाना सीखा, अरबिक सीखा। अच्छा, इंटरनेशनल आपने सारी चीजें, हाँ, वो मैंने सीख ली। वहाँ मैं क्लासेस दे रही थी ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों को। अच्छा, फिर जब हम वापस आए तो फिर ये हुआ कि मैं अपनी सास के साथ ही फिर हम शिफ्ट हो गए। अच्छा, डिफेंस। तो एक दफ़ा हमने दावत करी, मुझे अच्छी तरह याद है, रियाज मंसूरी होते थे जिनकी मैगजीन वुमेन्स ओनली करती थी। जी जी बिल्कुल। तो मेरी दोस्त हैं, उनके भाई से उनकी बहन की शादी हुई थी। अच्छा। तो वो लोग हमारे घर डिनर पे आए, तो मैं मैगजीन, जब वो आए तो मुझे, जब दावत वावत हो गई तो रियाज भाई ने कहा कि नाहिद भाभी मैं मैगजीन निकालता हूँ तो आप लिखें। अच्छा, ठीक है। शौक़ तो था काम करने का, मुझे फालतू बैठने का शौक़ नहीं है। सही। तो मैंने कहा मैं लिखूंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने रेसिपीज बनाई, वो फोटोग्राफी हुई। जब वो मैगजीन में आया तो मेरे पास फ़ोन आया PTV से, उसका। अच्छा, उस वक्त PTV था सिर्फ। PTV था और गजनफर होते थे, इंडस। हाँ, फिर उन्होंने इंडस खोला था। तो उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझसे एक फ़ोन आया, तो मैं उस वक्त जो मेरा माहौल था, अम्मी के घर का भी, ससुराल का तो नहीं माहौल, मैंने सेंट जोसेफ से किया था अपनी पढ़ाई, फिर होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से मैंने BSc किया। अच्छा, राणा लियाकत। जी, उस वक्त तो मैंने वहाँ से वो किया था। अच्छा, हमको अलाउड नहीं था कहीं जाना, तो बड़ा वो एक माहौल था जो बड़ा कंजर्वेटिव आप माहौल कह लें, बस वो पाबंदियों के साथ। हाँ, सही। तो कुछ असूल थे कि बस ये करना है, ये नहीं करना। हाँ, बस ये थे। तो मुझे कोई TV की तो आदत थी नहीं, तो वहाँ से फ़ोन आया, तो मैंने कहा ये किसका फ़ोन आया। अच्छा, मैं डरती भी बहुत थी, तो मैंने जमशेद भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा जम भाई एक फ़ोन आया, कोई गजनफर है और वो बुला रहे हैं एक मीटिंग के लिए। तो जम भाई ने कहा हाँ वो तो PTV का है। तो मैंने कहा नहीं जम भाई, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, आप मेरे साथ चलें। सही। तो फिर मैं जमशेद भाई के साथ उनसे मिली। तो हाँ, फिर तो उनके साथ जाने में तो कोई खौफ ही नहीं था, बेफिक्र होके चली गई। मैं और घर वालों को भी इतराज़ नहीं हुआ। नहीं नहीं, फिर तो अकेले तो खैर नहीं गई। सही। तो फिर मैं गई उनके पास, उन्होंने कहा नहीं तुमने ये शो करना। जब शो का, अच्छा मैं ये कैमरा वाली नहीं थी। अच्छा, सही। तो अब गजनफर खैर मान हाँ कर ली, जब भाई ने कहा नहीं नहीं ये करेगी, सब करेगी। खैर गई, जब शो शुरू है तो आप सोचें मेरे साथ सबसे पहले किसने मेरा इंटरव्यू लिया था, किसने, सबसे ख़तरनाक लोगों ने। और मेरे साथ फर्स्ट शो में बुशरा अंसारी, ओहो, दूसरे में अनवर मकसूद, माशाल्लाह, और कौन था, ये सब लोग थे। मतलब मैं, मुझे सारे टॉप के और वो और बड़े इंटेलेक्चुअल और हाँ कमाल के लोग। मेरी निगाह नीचे से उठती नहीं थी। तो मुझे याद है अभी तक कि अनवर मकसूद साहब जो थे, उन्होंने मुझसे कहा आप तो ऐसे बात करिए जैसे आप अपने निकाह नामा पे। अब वो और शर्म आया, मैं क्या बोलूँ। और वो शो भी जो गजनफर ने किया वो लाइव, पहले लाइव था वो वाला, हाँ लाइव टेलीकास्ट। हाँ, तो वो किया। फिर बुशरा अंसारी, जैसे मजाक करती है, आपको पता है कि बुशरा अंसारी के साथ हुआ, तो फिर भी मैं कॉन्शियस थी। फिर उसने कहा तुमको अब लाइव अकेले करना है। उस वक्त नजम भी होते थे। अच्छा, डेथ हो गई थी। सही, बहुत सही, अच्छा सही। बच्चा था वो भी। तो खैर बस होते 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 तो यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचे, माशाल्लाह। मगर ये इसमें ज़्यादा हाथ जो था वो गजनफर का था। अच्छा, मैं नहीं कर सकती थी ये TV शो, सवाल ही नहीं पैदा था जो मैं कहा। मगर अल्लाह ने फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आता गया। तो अब इतना आदत हो गई कि मैं इतना बोलती हूँ कि लोग कहें कि लेकिन ये कि अगर वो ना होता तो आज हम इतनी मज़े की रेसिपीज और टिप्स ये सब हमें कहाँ से मिलती। होता है ना कोई अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं। बिल्कुल। और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख चले। ज़बरदस्त, ये सफ़र ऐसे ही जारी भी रहना चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हैं और आपा की, अभी हम इस सफ़र की दास्तान को आगे लेके चलेंगे, लेकिन कुछ चटपटी बातें भी करनी है एक छोटे से वक्फे के बाद।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है नाहिद अंसारी। और नाहिद, आपा से जो मज़े मज़े की माजी की बातें हो रही हैं, तो कुछ हाल और मुस्तकबिल की भी बात की जाए। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हैं आपके पास। आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल गर्मियां हैं। अच्छा। और हर साल की तरह इस दफ़ा भी मैंने समर क्लासेस मेरी होती हैं बच्चों अच्छा, के लिए। ठीक है। मेरी यहाँ जो क्लासेस होती हैं थ्रू आउट द साल चलती हैं। सही। बड़ों बच्चों की अलग, ब्राइड्स टू बी की अलग। अच्छा। क्योंकि हर एक का अलग वो होता है ना, ब्राइड्स टू बी अब वो दूसरे घर जा रही हैं, तो आपके क्या एटीट्यूड्स होने चाहिए, क्या वैल्यूज़ होने चाहिए। तो एक ब्राइड्स टू बी की होती है, एक होती है जो क्लासेस समर में 7 to 8 to 15 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, 8 to 15 ईयर्स वो बच्चे बच्चे होते हैं या बच्चियां बच्चे दोनों होते हैं? नहीं, एक दफ़ा मैंने लड़कों की अलग करूँगी अभी। अच्छा। मगर 9 to 12, मगर अभी जो बच्चियां हैं ना, 8 to 15। ठीक है। अच्छा। या 7 to 15। ठीक है। बहुत सारे वो इस दफ़ा भी माँ, उन्होंने कहा ये तो इतना डिफरेंट से आर्ट और ये 15 इनकी कुकिंग। मैंने कहा मैं यही एज रखती हूँ इसलिए कि आज के वक्त में आप नोट करें, जब से ये मोबाइल्स का मसला है। सही। आप भी छोटी थी, आपके बहन भाई थे, मेरे थे, आपस में एक मोहब्बत, इत्तेफाक और सब एक साथ बैठ के इंजॉय करते थे। आज छोटी बड़ी को नहीं प्यार करती, बड़ी छोटी से प्यार नहीं करती। सबको अपना एक कमरा चाहिए, बिल्कुल, अपनी स्पेस चाहिए। मतलब ये ना मोहब्बतें हैं, मतलब मैंने इसलिए दो एज रखे कि छोटी बड़ी सबका अदब करे और बड़ी छोटी से प्यार करे, थोड़ा सा आपस में रिलेशंस डेवलप करें। अब जब आप ये करेंगे तो आपको आदत होगी घर में। अब माएँ भी तंग आ जाती हैं, लड़ते रहते हैं, मैं देख रही होती हूँ। मैं जो ना, मैंने होम इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी तो करी है, मगर अब मैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ क्लासेस कर करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। सही। और ये वैल्यूज़ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर अब मोहब्बत नहीं होगी फिर कब होगी? फिर तो नहीं होगी। फिर तो होगी ही नहीं। आपकी मोहब्बत सिर्फ एक चीज़ है जो आपके हाथ में है, बस उससे हाँ, मोहब्बत है, बस उस स्क्रीन में फंस गए, बस उसमें। और फिर आपको कोई नहीं चाहिए आपके, और आपको अपने माँ बाप भी नहीं चाहिए। हाँ, समटाइम्स वो भी उनसे भी इरिटेट हो रहे होते हैं बच्चे। ऑल द टाइम। ठीक है। आप हमको अपने नाना नानी, दादा दादी, फुफियाँ, सबसे बहुत प्यार आज तक हम बख्शते हैं। बिल्कुल। आज के बच्चे ये क्यों आ गए? कभी कोई फोन करके नहीं आता था पहले, अचानक आते थे। बहन भाई तो ऐसे ही होते थे, बहन भाई भी और आपकी दादी, कोई भी रिश्तेदार आए तो हम देखते थे, हमारी अम्मी भी बहुत खुश होती थी, फिर हम भी। हमने वही सीखा ना। एक लफ्ज मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हमेशा टीवी शोज में बहुत जगह, डोंट बी वरिड इफ द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू। आप परेशान नहीं हो अगर आपके बच्चे कहना नहीं सुन रहे। सही। बी वरिड दे आर वॉचिंग यू। आप ये परेशान हो कि आपको देख रहे हैं और वही करेंगे जो वो आपको देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं। आप, हमारी माँ ने हमें सिखाया नहीं ऐसी कोई चीज, यही है वो देख देख के बहुत सारी लर्निंग है। और अब मैं वही चाहती हूँ, बेस्ट ऑफ अम्मी की चीजें, बेस्ट ऑफ सास की चीजें। अच्छा। मैं वो सब करूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं वो फॉलो करती हूँ। सही। बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मेरी अम्मी को सर में दर्द होता था। अच्छा। बहुत, मुझे भी होता है बहुत, मगर अम्मी जो थी ना, जब सर में दर्द होता अम्मी किसी से बात नहीं करती थी, लेट जाती थी, और उनको बहुत शदीद होता था। अच्छा। अच्छा, जो अब हम सब खामोश कि अम्मी की तबीयत खराब है, मगर मेरी जो सास थी, उनके सर में दर्द हो, बुखार हो, वो किसी पे जाहिर ही नहीं होने देती। अच्छा। वो वैसे ही हंसती थी। ओहो। वो बड़ी हैप्पी गो लक्की जॉली थी। अच्छा। तो हमने उनको कभी नहीं लेटे हुए देखा, हमने उनको कभी ऐसे हमने नहीं देखा, वो हंसती रहती थी। सही। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जो आपको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही, ये चीज़ आप देखें उनकी शख्सियत की कामयाबी, कि आप उनको अभी भी याद कर रहे हैं अच्छे अल्फाज में। वरना इस रिलेशन में लोग ज़्यादातर नेगेटिव सोच रहे होते हैं, जो हमारे माशरे में बात होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ की पॉजिटिविटी मिलके ही हर चीज़। और ये जब आप जब सीखते हैं ना, देखें वो जो बड़े हैं ना, हमारे जो बड़े थे, इसी तरह मेरी नंदे हैं, हैप्पी गो लक्की, हर वक्त हंसना बोलना, बहन भाइयों से प्यार इतना। तो मैं चाहती हूँ मैं वही 60s में जाऊँ और मैं इन बच्चियों को वही चीज़ वही सब सिखाऊँ। हमारी माओ ने हमें टाइम दिया, हमारी सास ने हमें टाइम दिया शादी के बाद, माओ ने वो हमेशा सामने,
आज का बच्चा माँओं से आजिज है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब बहुत मैं हैरान होती हूँ जो बच्चों की बातें सुनती हूँ, आप सोच नहीं सकती कि ये बोल क्या रहे हैं बच्चे। हाँ। और मैं कुकिंग तो सिखाने के लिए क्लासेस करी थी, मगर मैं कुकिंग से ज़्यादा एटिकेट मैनर्स पे मेरा जोर, मैनर्स पे ना कोई भाई से। अभी क्लास थी मेरी ट्यूसडे को, तो ब्रेकफास्ट क्लास थी, फर्स्ट मैं ब्रेकफास्ट क्लास करती। पानी देने का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल, हमने बचपन से सीखा कि किसी ट्रे में या हाथ नीचे रखें तो पानी। फिर मैं सबसे पहले क्लास ब्रेकफास्ट से शुरू करती हूँ। अच्छा। ब्रेकफास्ट ये नहीं है कि आपने एक अंडा फ्राई किया दे दिया, आज के बच्चे बना दिया खा लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। माएँ भी इस तरह करती हैं तो बच्चे भी। तो उसमें ट्रे में आप नैपकिन कैसे बिछाते हैं, मैट कैसे रखते हैं, प्यार से वो नाश्ता जो होता है जो मैं सिखाती हूँ, वो माँ बाप के लिए हॉलीडे पे फूल भी रखें, जूस भी रखें, पानी भी रखें, और जो आपके माँ बाप को पसंद है। तो बच्चियाँ थीं तो मैंने कहा ये ब्रेकफास्ट सबके लिए बनेगा, क्योंकि पैनकेक्स भी थे, फ्रेंच टोस्ट भी था। तो उन्होंने कहा नहीं, बहन भाइयों के लिए तो नहीं बनाएंगे। क्यों? हा? नहीं, वो बहुत तंग करते हैं माँ। मैंने कहा आपके कितने बहन भाई? वो कह रही एक बड़ा एक छोटा। नहीं बनाऊंगी उसके लिए। मैं उनके चेहरे के तासुरात देख रही थी, मतलब इतनी जंग छिड़ी हुई है, मतलब कि वो नहीं करना चाहते। अच्छा, माँ के लिए नहीं। बहुत सी बच्चियाँ तो ये कहती हैं अम्मी तो हमसे ही सारा बात काम करा। मतलब मैं जो सीखती हूँ ना और जो देखती हूँ, मैं उस क्लास में सिखाना चाहती हूँ ये नहीं होना। अच्छा। है आप कहते हैं जब आप कॉलेज में आपको डिग्री मिलती है, डिग्री जो है ना वो सिर्फ अ पीस ऑफ पेपर है। ऐसे ही है, बिल्कुल एक पेपर है ना, आपने रख दिया, फिर आप बताएं मुझे डिग्री। हाँ। आपके जो वैल्यूज है ना उससे आपकी पहचान है। डिग्री गले में तो नहीं लटक रही ना, आपका चलना फिरना, आपका बोलना, आपका आज कौन खड़ा होता है, आप वालिद आ जाए कोई कौन खड़ा होता है कि हाँ। पापा आ गए तो हम खड़े हो जाएं, अदब से खड़े हो जाएं। आज जो बैठे हैं बैठे ही होते हैं, कोई बड़ा आ जाए और हाथ में फोन। अच्छा, बच्चे आपको स्पेस नहीं देते, सीट नहीं देते, ये अलग ही मिजाज आया है। और यहाँ किसी के यहाँ कराची में बहुत जगह क्लासेस हो रही है कुकिंग। अच्छा। हमारा जो है वो है नाहिद अंसारी फिनेस, ताकि अच्छा। फिनेस आ जाए आपने। सही। चलने का भी तरीका है, घसीट घसीट के नहीं चलना। ये तो हमी हमारी तो हमारे बचपन में कितनी डांट पड़ती थी, ये रगड़ के पैर नहीं रखने, आवाज चप्पल की आवाज नहीं आनी चाहिए, और वो हमारे अंदर आ गया था। आ गया। अब हाँ। एक को प्यास चप कर ये नहीं खाना है, आवाज नहीं आए, बिल्कुल तो देखिए ये चीजें जो ये मैनर्स थे बड़े। ये मैं मेरी क्लासेस में ये मैनर्स चलते हैं और ये मेरे लिए प्रायोरिटी है। देखें, और जब असल में मेरा ख्याल है आपा जरूरत इसलिए पड़ी कि शायद हम वालदैन की कोताही है कि हमने बच्चों को ये मैनर्स, हमने अपने घरों के माहौल बहुत ही बदल दिए। हमने अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप आगे हमेशा मौजूद थे, ठीक है, और वो जो कर रहे होते थे ना अपने बड़ों से, अपनी अम्मी मेरी, अपनी सास से यानी मेरी दादी से, वो अपनी दादी का इतनी इज्जत करती चाचा की। आज मैं अपनी अम्मी की दादी और उनके चाचाओं को बख्शती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि मेरा ख्याल है अगली जनरेशन तो ये सारे नॉर्म्स भूल चुकी है, मगर अभी भी इट्स नॉट टू लेट। प्लीज आपको प्रायोरिटी दी, हमारे लिए कौन फातिहा पढ़ेगा? वो हमें तो देखिए वो तो हम हमारे अमाल हैं, ठीक है, वो तो अल्लाह ताला सही है। मगर मतलब हम बैकअप सपोर्ट पे ट्रस्ट ना करें, अपने ही काम करें जो हैं, बिल्कुल ठीक है। एक तौर तरीके होते हैं, वक्त के पर बैठें, उनको टाइम दें, उनसे बताएं, उनसे अपनी मोहब्बत। आप किसी मैं वो नहीं बोल रही आपको कि कोई बड़ा बोल, मगर एक बच्ची आई थी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लाई थी। अच्छा। क्लास में, ये मैं आपको काफ़ी साल पुरानी बात बता रही हूँ। सही। फिर वो अपनी फुप्पियों की बच्चियाँ आ गई। अच्छा, जब मैं सिखाती हूँ कप केक्स वगैरह वॉट एवर, तो मैं ये बताती हूँ कि घर लेके जाओ, फिर ये आप जब घर बनाएं तो दादी के को दें, फुप्पियों चचाओं सबको। अरे फुप्पियों को तो नहीं देंगे, नहीं वो तो हमारी अम्मी के साथ, वो साफ बताती हैं। फुप्पियों को नहीं देंगे? नहीं, अच्छा, ऐसे करती है हमारी अम्मी के साथ। तो ये अम्मी की गलती है ना। मैंने क्या किया, मैंने बच्चियों से उस दिन, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मतलब ये चीज़ें आप दुनिया के सामने ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। मैंने कहा कि बेटा उस दिन हमारी दो क्लासें होती हैं, तो फिर तीन दिन वर्कशॉप ऑफ था, सबके नंबर तो मेरे पास होते हैं। फिर मैंने बच्चियों से भी कहा कि मदर्स को कहना मंडे को मदर्स की क्लास है। अच्छा। मैंने मदर्स को बुलाया, उनकी क्लास करी, तो वो सब हैरान, हमारी बच्चियों ने कुछ किया? मैंने कहा नहीं, बच्चियों ने कुछ नहीं किया।
फिर वो सब माएँ बैठी थी, मैंने उनसे अच्छा। सबसे सवाल किए, सब जवाब सही दिए। मैंने कहा आप लोग अपने बच्चों के सामने ये बातें करते हैं, तो वो मान गई। बिल्कुल, कभी भी बच्चों के सामने ये बातें नहीं करनी, आपका जो भी दिल खराब हो वो आपके और उनके दरमियान है। बिल्कुल, कमरा बंद करें, उनसे शेयर करें। फिर बच्चियाँ ऐसी अच्छी हुई जो मैं सिखाती, ये तो पुप्पी के लिए बनाना है, ये मेरी पुप्पी को बहुत, आप ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। बिल्कुल, तो देखिए फिर ईद पे भी बच्चे जाते हैं, नहीं नहीं वो तो ऐसे, देखिए ये बातें मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो उसी से मैं लेके सिखा रही हूँ। सही सही, मेरे लिए वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, होने भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें अपने इन वैल्यूज को जरूर घरों के अंदर माहौल में शामिल रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत रखना चाहिए। अच्छा, अब बकरीद है और इस ईद पे सारा फोकस होता है कि क्या पकेगा, कैसे पकेगा, और पकने से पहले कुछ और होता है। आपको पता है बहुत सी माएँ भी ऐसी होती हैं, मैंने ये 2-3 साल से ऐड किया है। क्या माएँ कहती हैं नहीं हम तो गोश्त खाते भी नहीं है ये वाला, और इसको हाथ नहीं लगाते। ठीक है, तो बच्चे कहाँ से करेंगे, बच्चे भी नहीं तो मैंने क्लास में इस दफ़ा भी मैंने ये किया, माओं ने, मैंने कहा बच्चों को, अभी उनका इंतकाल हुआ है एक लास्ट वीक ही हुआ है, तलत हुसैन उनकी पोती मेरे पास क्लास में आती थी। अच्छा, और वो बड़ी प्यारी बच्ची फेहा, 7 साल की बच्ची। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लासेस होती थी ना तो वो बाथरूम में से भी निकले तो लाइट बंद करे, तो मैं दूसरी बच्चियों को कहती देखो कि मैंने कहा फेहा व्हाई डू यू क्लोज द लाइट, कहती है इलेक्ट्रिक का बिल आता है ना आंटी, एंड व्हाई शुड यू लीव द, 7 साल की बच्ची, ठीक है, घर का माहौल। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सिखाया कि जब ईद होती है आपने गोश्त के साथ हिस्से, हमारी अम्मी तो हमें लगाती थी, हम पैकेट भी बनाते थे सब कुछ। आज की माएँ, सॉरी टू से मैं माओं को क्या कह रही हूँ, मगर आज क्या वक्त है, ड्राइवर्स को कह दिया या बांट दो गोश्त। मैंने शोज किए हैं कोरंगी 10 में। अच्छा, ठीक है, हम वहाँ गए और वो हमने ईद से पहले प्री ईद किया था, तो हमने ना गोश्त खरीदा था और हमने उसके पैकेट्स बनाए, हम वहाँ गए बहुत सारे पैकेट लेके, हमने वहाँ बांटे, लाइन लगी। जब हमने गोश्त दिया फिर हमने एक दोस्त से पूछा आप क्या बनाएंगे, तो कह रहे हम तो बेच देंगे, ये मैं आपको सीरियस बता दूँ जी। अच्छा, जब हमने उनके घर के अंदर की शूट करी, ये मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रही, ये मेरे आंखों देखी चीज, जब मैं उनके घर गई हूँ तो ना उस घर में पतीली थी, ना उस घर में कोई चमचे, ना मसाले, उसे का हम किस में पकाएं। ओ ओ, मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, डालडा का खाली टिन जो होता है वो उसमें चूल्हे पे रखा हुआ, जैसे हमने सुना है ना साहबा की कहानियाँ कि खाने को नहीं था, वो पानी में पत्थर डाल के, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, है ना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, पानी उबल रहा है और वो छोटे छोटे से, इनके हर घर में 6 बच्चे तो हैं, तो वो जो थे ना वो उबल रहा है, उनको नींद भी आ गई इसी में, खाना तो कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, पतीली लिए, इतनी महंगी आपको नहीं लेने की कोई ज़रूरत, चमचा एक वुडन स्पून मैंने लिया था, एक बड़ा दस्तरखान, मैंने उससे पतीली रखी, उसमें गोश्त का पैकेट रखा, आधा किलो भी बहुत है प्याज, 4-5 प्याज डाली, 2 पैकेट मसाले के डाले। अच्छा, कितने मसाले, तो वो 2 पैकेट मसाले के डाले और एक घी, तेल का घी का पाउच डाला, नींबू डाला। अब आपके पास गोश्त भी है, मसाले भी हैं आपके घर में, आपके बच्चे कह रहे हैं आज कढ़ाई बनाएं, कोई कह रहे हैं वो उनकी तो कोई ख्वाहिशात भी नहीं है, बस उन्हें तो खाना मिल जाए, पतीली तो मिले जिसमें पकाएं। बिल्कुल, उनको वो सब बांध के दस्तरखान, फिर मैंने एक चम्मच ऊपर बांधा, उस पर नींबू और पुदीना लटकाया ताकि वो गोश्त की स्मेल भी बाहर ना जाए, वो बांटा, वो बच्चियों को सिखाया कैसे पैकेट बनते हैं। हमारी नाहिद अंसारी फिनेस पे वो है। अच्छा, जो अब है फिर वो बना के वो बांटे, आप देखें आपको पतीली भी मिल गई। हाँ, तो खाना आप अपने घर की तो बात करें, आपको ये तो पता हो वहाँ गरीब का क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही, और इस तरह देना चाहिए ताकि दूसरा खुश हो और आपको दुआएं दे। हाँ, जैसे बुजुर्ग कहते थे गरीबों को पका के दो, पका के दो, पका के पकाने का किसी वक्त टाइम नहीं है, हम फोकस करते हैं कि पक्का हुआ खाना दे दें, तो पकाने का आप कितना देंगी, इतना इतना थोड़ा, 4 गोश्त आप, लेकिन गोश्त तो बांटना है, इतना तो पका नहीं सकते, और आप अपने हेल्पर्स को दे दें घर में, और एक एक बना के आप दें, आप सोचें आप इतनी जगह इतना पैसा ज़ाया करते, फिर आएँ आप अपने घर में क्या पकेगा। हाँ,
खैर आपके घर में ना, पहले आप वो तो सोचिए। अब तो एक रिवाज है कि बकरा ईद है तो हर घर में बारबेक्यू पार्टी हो रही है। बारबेक्यू पार्टी सही। अच्छा, उसमें अच्छा गोश्त तो सारा हम खुद रख लेते हैं। मैंने आज क्योंकि बारबेक्यू के लिए चांपे चाहिए, अगर मैं आपको या बोनलेस चाहिए। मगर है ना, मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक अपने घर में जब से मैं हूँ, मैंने कभी राने नहीं रखी, मैंने एक ही गोश्त की बोटियां। अच्छा, हमारे घर में भी यही होता है। खावर कहते हैं वो कसाई को, सारा एक जैसा कर, इसको सब मिक्स करो, होना भी यही चाहिए, क्योंकि सब पूरा हिस्सा हर साइड का, हर पार्ट का जाना है ना। बचपने से ही सुना ना, तीन हिस्से तीन हिस्से। तो ये जो बारबेक्यू पार्टी है, ये क्या आप समझती हैं, ये वो होनी चाहिए? बारबेक्यू पार्टी आई थिंक इसलिए रखी जाती है घर के अंदर कुछ ना हो, बाहर हो जाए, छोटा अच्छा। हो बड़ा हो, लेकिन आप उसमें आप सबसे बेस्ट पार्ट तो निकाल के अपने पास रख लेते हैं। ये तो गलत, सबको पता है। हाँ जी, इक्वालिटी होनी चाहिए। कुरान में बार बार नाप तोल का कहा गया जी, हर बिल्कुल। जब मैं जब छोटी थी और जब बड़े भी थे, तो नाप तोल में मैं समझती बस नाप तोल के ये फ्रूट वाले गोश्त, नाप तोल हर चीज़, हर चीज में है। तो इस चीज़ को अगर सोच लिया हर इंसान ने, फिर आप गलत, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये है। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें जो सोचने की होती हैं। सही। फिर वो बेस्ट पार्ट क्या है, वो क्या है? मेरे घर में नाश्ते पर कीमा एक होता है, वो मैं पहले से बनाती हूँ, कलेजी के छोटे छोटे, वो उस वक्त ताज़ी होती है, और टूथपिक्स लगाए और वो सबको बहुत पसंद आते हैं। सही। फिर दोपहर को जो आपका बना, आपने कलेजी जैसे ही बनाई या बिरयानी बन रही है, जो भी बन रहा है, आई थिंक वो नाश्ता ही 11 बजे होता है, वो खाना लंच तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। तो आप सिंपल रखें और जो आ रहा है उसको भी आप खिला दें या दे दें। देखिए, ये बारबेक्यू, अब वो बार मैंने कभी नहीं रखी बारबेक्यू। सही, बिल्कुल रखनी भी नहीं चाहिए, और अगर रखनी है तो फिर इतना वाफिर गोश्त होना चाहिए आपके कुर्बानी में कि वो हिस्सा अगर आप निकाल रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बूटियाँ छाँट रहे हैं, तो जस्टिफाई हो रहा हो कि वाकई वो आपका हिस्सा है, किसी और का हक नहीं मार रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा और फिर मज़ीद गुफ्तगू। खुश आमदेद, और हमारे साथ मौजूद हैं नाहिदा आपा, बातें हैं बहुत ही समझने वाली और सीखने वाली। अच्छा आपा, पिछले दिनों आपने एक बहुत ही मज़बूत काम किया, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी से आपने जंग लड़ी और अपने विल पावर से माशाल्लाह सेहतयाबी अल्लाह ने आपको दी। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा मेरा विल पावर नहीं था, मैं आपको अच्छा सही बताऊँ, हम सब लोग समझते मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मगर जब आपको पता चलता है कि आप किस बीमारी से गुजर रहे हैं ना, ठीक है, उस वक्त आप ब्लैंक हो जाते हैं। जब मैंने, मुझे पता, ये लास्ट जनवरी की बात है, 2023 डायग्नोज हुआ आप जी, ठीक है, तो 2023 की बात है, जनवरी। अच्छा, मैं गई और जब डॉक्टर ने कहा, अच्छा आप नॉर्मल चेकअप को गई? नहीं नहीं नहीं, कोई नॉर्मल कंप्लेन लेके नहीं, नहीं, मुझे ऐसे लगा कि ये, मैं अपने राइट हैंड की बात कर रही हूँ, तो मेरी दोस्त ने कहा कि चले जाओ, खैर मुझे इतना कुछ नहीं था कि ये कुछ ऐसा है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैं गई डॉक्टर रुफीना सोमरो, तो उन्होंने कहा कि आप कल आएँ और आपका बायोप्सी है। अच्छा, हमने कैंसर का तो सुनते हैं, मगर बायोप्सी का हमने सुना था जब हम स्कूल कॉलेज में, और ये सुना हुआ था, एक चीज़ सुनी हुई थी कि इसको छेड़ना नहीं है कि ये फैलता है, ये मुझे लफ्ज़ याद है। सही। एक तो वो चीज़ बड़ी खौफनाक थी। सही। जब मुझे ये कहा ना, बस मैं तो ब्लैंक हो गई, और मैं खुद ड्राइव करके अकेली गई थी कि मैंने कहा पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, दिखा दूँ, ठीक है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बच्चे मियाँ जो थे वो घर पे, उन किसी को नहीं पता मैं कहाँ, क्या आप कहाँ गई, कहाँ गई, मैं खुद अकेले ड्राइवर को भी नहीं ले गई, खुद ड्राइव करके मैं पहुँच गई। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था मुझे वहाँ क्या जवाब मिलेगा। जब मैं वापस आई तो मैं ब्लैंक थी, मुझसे गाड़ी नहीं चल रही थी कि आपको कल आना है और ये है। मैंने कहा अच्छा,
मैं आई घर तो जैसे आई तो नीचे ही बैठे थे मियाँ और बेटा बहू सब। आप कहाँ थी अम्मी? आप फोन, अच्छा फोन कर रहे थे, मैं फोन भी नहीं उठा रही थी। अच्छा, मैंने बिल्कुल, और मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ 3 o'clock और मैं घर आई हूँ तो 7:30 बज रहे थे। ओफो। और मैंने किस तरह गाड़ी चलाई ज़ियाउद्दीन से अपने घर तक, मैंने कहा बस, मैं रुकी, मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास गई थी, आप अकेली क्यों गई? बेटे ने कहा, मियाँ ने कहा, मैंने कहा बस मैं दिखा के आ गई हूँ और कल जाना है बायोप्सी। मैं ये कह के बस मैं तो ऊपर चली गई बेडरूम में। अब ये लोग पे क्या गुजरी मुझे नहीं मालूम। फिर अच्छा, शॉक होंगे ना कि ये सभी क्या शौक, मैं खुद शॉक में थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अकेली को, बस फिर उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया, मैं ऊपर चली गई। दूसरे दिन पे सब गए, फिर वो भी हो गई, फिर टेस्ट हुए, फिर जब उसने कहा कि ये है, डायग्नोज हो गया। मैं पूरे साल मेरा खामोशी से गुजरा, मैं जितना बोलती हूँ ना आपको बता रही हूँ, मुझे मेरे पास कुछ, मैं बस जाती थी बच्चों के साथ और वो डॉक्टर और ये बात करते, मैं सिर्फ सुनती थी ये बोल क्या रहे हैं। आप खामोश? खामोश, और मैं सिर्फ सुनती थी और बस वापस आ जाती थी। एवरी डे वॉज अ न्यू डे कि आज क्या कहेगी डॉक्टर, आज क्या कहेगी। फिर वो हर दफ़ा टेस्ट होते रहे। टेस्ट के बाद फिर आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। सही। फिर मैं गई ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, बहुत अल्लाह फिल्म की तरह आपको लग रहा होगा सब हो रहा है, बस हाँ होता जा रहा है। मत एक चीज़ आप बस आपको करना है, आपके सामने बेटा सवाल कर रहा है, डॉक्टर जवाब दे रही है, आपके पास कुछ मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती, मैंने सुन लिया जो मुझे सुनना था। फिर वो अल्लाह ने बहुत करम किया कि ये अल्लाह की तरफ से होता है, ऐसे डॉक्टर्स दिए, बच्चे मियाँ और फिर डॉक्टर, इतने अच्छा मेरा एक्सपीरियंस आगा खान का था कि मैं अच्छा। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जनवरी जो 23 था उससे कोई 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, मुझे आगा खान ने एक दफ़ा बुलाया कि आप लेक्चर दें सर्वाइवर्स को, कैंसर सर्वाइवर। अच्छा। ऐसे ही, और मुझे कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता। ओके। बस कहा कि सर्वाइवर्स हैं और आपको टीवी पे देखते हैं और बहुत खुश होंगे, आप इन्फ्लुएंसर हैं ना, एक पर्सनालिटी बस है। तो वहाँ एक शेफ होते थे सादत जी, बिल्कुल सादत की वाइफ को हुआ था। ओके। तो मैं वहाँ जानती थी डॉक्टर्स को, अपॉइंटमेंट ले दिया, वो चली गई, उनका हो गया, वो सर्वाइवर थी। अच्छा। तो सादत ने शायद उनको कहा या उनको नाहिद आपा को बुला लें, वो सब देखते होंगे टीवी। मैं गई, मैं एक नॉर्मल इंसान, सर्वाइवर सब बैठे हैं, सबके स्कार्फ्स बने हुए, बाल उतर जाते हैं, सब कुछ। मैंने एक आम सा लेक्चर, मुझे कैंसर के बारे में कुछ पता ही नहीं कि व्हाट इज कैंसर, बस पता है ये बीमार थी, कैंसर कैंसर है, नाम खतरनाक। बिल्कुल। मैंने एक लेक्चर दे दिया, वो लोग तस्वीरें खिंचवाई, वो हैं अभी भी मेरे उस पर। मुझे नहीं पता था कि 3 साल बाद कि आपको ये चीज़ होगी, आप वहाँ बैठी होंगी, आप वहाँ बैठे। और अब जब मेरा इलाज ख़त्म हुआ, मेरा 2 अगस्त को मेरी सर्जरी हो गई थी। सही। और बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे, अल्लाह ताला का जितना शुक्र करूँ, ये भी अल्लाह की मदद है बहुत। और जब मैं सही हुई, अभी मैं आपको ये 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ, उनका फ़ोन आया कि नाहिद आपा यू आर अ चीफ गेस्ट और आपने आके सर्वाइवर्स को, तो मैं खुद सर्वाइवर थी, तो वो कह रही हैं आप चीफ गेस्ट हैं। मैंने कहा चीफ गेस्ट का मुझे कोई शौक नहीं है। उन्होंने कहा आप आए और आप लेक्चर दें। मैं गई, उन्होंने कहा गाड़ी खड़ी रहेगी, आपको जब जाना है आप फौरन चली जाएंगी, आप खड़ी नहीं हो, क्योंकि वीक तो मैं हो गई बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा, मैं चली गई। अच्छा, मैं समझी अभी कोई डॉक्टर्स लेक्चर देंगे 2-3 और फिर शायद ये मुझे बुलाएंगे। जैसे ही मैं गई, वो मुझे कहेंगे आप स्टेज पे बैठे, यू आर द चीफ गेस्ट। अच्छा। बस सिर्फ कुरान की तिलावत हुई और अब मुझे बोलना है। अब आप सोचिए, आप ही हैं, आप हैं अब मेरे सामने, सारे डॉक्टर्स बैठे, सारे सर्वाइवर्स बैठे, सारे डॉक्टर्स और सारे ऑन्कोलॉजिस्ट, और मैं जिस बीमारी में इतनी नर्वस कि मैं डॉक्टर्स के सामने बोलूँ क्या। अच्छा, मैंने अल्लाह, अब आपकी फीलिंग्स भी बदल गई होंगी ना, क्योंकि फीलिंग भी बदल गई, उस सारे प्रोसेस से गुजरी हुई थी। और आपको पता है, मैं हमेशा मेरी बीमारी से पहले भी, मैं जब भी कोई लेक्चर देने जाती हूँ या मेरा कोई शो होता है चीफ गेस्ट, मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करके जाती थी, अल्लाह ताला मुझे कुछ नहीं आता,
आप फरिश्ते भेज के कोई अल्फाज मेरे मुंह में डाल देगा जो मैं बोलूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इतनी प्यारी दुआ, मैं हमेशा से ये दुआ मेरी थी। उस वक्त भी मैंने बस, मैं नर्वस बहुत हो रही थी कि मैं इन डॉक्टर सामने बोलूंगी क्या, और उन्होंने कहा ये सवाल जवाब भी करेंगे। सही, ठीक। मैं नर्वस तरीन, और उन्होंने ना एक एक साहब थे, वो भी यंग से थे, उन्होंने ये आगा खान में खोला है, उसका नाम मैं भूल गई, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उन्होंने ये खोला था, उनकी वाइफ की डेथ हो गई कैंसर। अच्छा, तो वो बड़े उस चीज़ से गुजरे, वो रो रहे भी थे। खैर, वो कुरान की तलावत थी, अब मैं बैठी हूँ। अब उन्होंने कहा नाहिदापा ये हुआ है नाहिदापा के साथ, अब नाहिदापा आप बताइए अपना जर्नी कैसा गुजरा। अब जो सच था मैंने वही बोला। सही। जब मैंने बोलना शुरू किया और मैं कहूँ मैं कुछ गलत ना बोल लूँ, अच्छा इस बीमारी में एक चीज़ मैं बताती चलूँ आपको कि आप भूल जाते हैं। आप कहेंगी ये तो सभी भूलते हैं, आप भी भूलते हैं, हम भी भूलते थे बहुत। तो एक बच्ची को मैंने बुलाया था अपने पास, वो 30 ईयर्स की उस कैंसर से जर्नी से गुजरी थी। तो जब वो मेरी दोस्त ने कहा कि वो मेरी बेटी आएगी और तुमको जो सवाल करने, इससे पहले ये जो लेक्चर दे रही थी इससे पहले की बात है, वो बच्ची आई। अब मैं उससे सवाल, मैंने कहा बेटा मैं भूल जाती हूँ, आपको पता है जो ये आपको कीमो होती है इससे बहुत चीज़ें आप गुजरते हैं, जैसे अभी मेरे थोड़े हाथ ये सुन रहते हैं, नमनेस आती है। अच्छा। ये सब कीमो है। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ने आपको हर चीज़ दी हुई है। आपके रोज आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपको महीने बाल कटवाने हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, नाखून काटने, खून बन रहा है, आपने किसी को खून चढ़ाया, आपका एक गिलास जूस पिया पानी, आपको खून आपका बनना शुरू। बिल्कुल, वहाँ अल्लाह की हर चीज इस दवाई से निल, प्रोडक्टिविटी रुक जाती है, ठीक है। और जो चीज है वो भी गई, बाल गए, हाँ बिल्कुल, आईब्रोज गई, सब। आप मैंने एक साल तक अपने आप को शीशे में नहीं देखा। हाँ। बस मैं सोची अब क्या होगा। अब वो कहती थी आप खाना खाओ, आपकी किडनी पे असर पड़ा है, आपको ब्लड चढ़ेगा। मैं इंतजार में होती थी रोज मुझे वो क्या बोलेंगे। खैर, डॉक्टर ने फिर मुझसे फौरन सवाल किया ऑन्कोलॉजिस्ट कि आपकी डाइट क्या थी। अब मैं वहाँ झूठ तो नहीं, मैंने कहा मेरी कोई डाइट नहीं थी। अच्छा। मुझे खाने देखने का भी दिल नहीं चाहता था। सही। पानी पीने और जितना कोई बोले दवाई समझ के ही खा लो भाई, दवाई नहीं खाई जा रही, पानी नहीं पिया, बच्चे भी बस खाना खा लें पानी पी लें, जितना बोलते थे ना, मैं कहती थी ये मेरे कमरे से सब जाएं। और मेरा सारा जो साल गुजरा बस यूँ था मेरा हाथ कि रात हो तो दिन हो जाए, दिन है तो रात हो जाए, अब क्या होगा कि टाइम गुजर जाए। और जो इंसान हर वक्त काम में लगा हो वो बिस्तर पे लेट गया है। सही, ये सबसे बड़ा। अभी ड्रिप चढ़ रही हैं, अभी कुछ चढ़ रहा है, मगर अल्लाह का करम है, आका का, कि बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया अल्लाह पे। अच्छा, मैंने कभी ये डरी नहीं कि मरना है, क्योंकि मुझे एक आयत पता है, कहा जा उसमें है कुरान में सूरह ज़ुमर की आयत है, ला तक न तू मिन रहमतिल्ला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मगर इंसान है, आती है, आती है, ये तो है। आप लेट गए, मायूसी ना उम्मीद, मायूसी नहीं, अल्लाह पे मायूसी नहीं, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि मैं चल के खुद जा रही हूँ, कोई मुझे पकड़। ये भी बड़ी बात है। मगर एक दो दफ़ा हुआ कि मुझे व्हील चेयर पर बैठना पड़ा क्योंकि खून की कमी, और जो डॉक्टर थी ना, डॉक्टर अजमीना, उफ मैं आपको नहीं बता सकती। बस दुआ करें आपको अच्छे डॉक्टर मिले, ये भी अल्लाह की तरफ से शफा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी शफा, बहुत बड़ी शफा। एक दिन मैं बैठी थी अपने बेटे से, कह रही थी बहुत बहुत तुम लोगों का कि तुम लोगों ने इतना ख्याल किया, तुमने इतना किया, ये कह रहा अम्मी आप शिर कर रही हैं, क्योंकि आप सिर्फ शुक्र अल्लाह का करें, हमारा नहीं करें, तो अल्लाह ने तौफीक दी है या आगे हमारे काम, आप सिर्फ अल्लाह का शुक्र करें। उस वक्त मुझे कहते हैं ना शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, बेशक। तो हम अल्लाह से ज़्यादा बंदों का शुक्र कर रहे होते हैं। सही कह रहे, ये दी बीमारी किसने, अल्लाह ने, इसमें भी कोई मसलियत है, अल्लाह के हर काम में मसलियत है। तो अल्लाह ताला मुझे आराम देना चाह रहा था, बिठाना चाह रहा था, जो मैंने करा ही नहीं था। सही। मुझे लोगों से पहचान हुई, मैं किसी से नहीं मिली। मुझे डॉक्टर ने एक दिन कहा ऑपरेशन के बाद, डॉक्टर आपदा ने, कहती है तुमको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मैं कुरान पढ़ती हूँ। तो उसने कहा फिर तुम मेरे पास क्यों आई। मैंने कहा वो मजबूरी थी, ऑपरेशन था, मगर मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट को तो दिखाऊंगी नहीं।
सही, क्योंकि वो कहती थी आप लोगों से मिलो, बाहर जाओ खाने। मैंने कहा मुझे वैसे भी शौक नहीं था और मैं नहीं मिल सकती, मुझे मैं बेचारा नहीं बनना चाह रही थी। बेमकसद आपको हर कोई करे। और फिर दूसरी बात ये, जैसे आप आई, मुझे तो पता है मैं बीमार हूँ, आप जब मुझसे, मैं ये सोचती थी ये जब जाएं ये कहेंगे नाहिदापा को क्या हो गया बेचारी, लाइस ये बीमारी हो गई। हाँ, तो आप सोचती तो ये बिल्कुल बदल गई, ये कमज़ोर हो गई मैं, और वाकई मैं कमज़ोर। बच्चे बच्चे रोते थे, बेटे बड़े बड़े, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये जर्नी, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ सिखाना भी था। मैं एक दफ़ा ऐसी गिरी, क्योंकि आपको पता है वो आपको हो जाता है वो चक्कर आते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी मैं, हिम्मत करके मैं नमाज़ पढ़ी, तो मैं आई, मेरी कुर्सी रखी हुई है कुरान की टेबल, मैं उस पर बैठी और मैं नमाज, अभी नियत थी उस वक्त सर्दियाँ शुरू हो रही थी, अच्छा फेब्रुअरी की मैं आपको शायद बात या जनवरी की मेरी इसके बाद, तो मैं बैठी, मेरा शीशा है सामने, तो मैंने कहा शीशा खोल दूँ थोड़ी हवा आए, सही, तो इतनी ताकत नहीं थी तो थोड़ा खोला शीशा, मैं बैठ गई, फिर मैंने कहा नहीं इसको पूरा खोलना है, तो मैं कुर्सी के पीछे की, मैंने जब शीशा खोला ना, मैं यूँ खड़ी थी ना, मैं गिर गई, बहुत जोर की गिरी, बहुत जोर की। वो जुम्मे का दिन था और मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था उस दिन। ओके, जब मैं गिरी ना तो मैंने आवाज़ दी मियाँ को, वैसे वो बेचारे हर वक्त वहीं होते, उस वक्त नहीं खुली उनकी आँख, उस वक्त 6 बजे थे, बहुत दफ़ा नहीं पता चला, और मेरी आवाज़ बहुत हल्की निकल गई और मेरे सर में चोट और मेरे ये, मैं बस इसको पकड़ी थी और मैं लेटी हुई हूँ और यहाँ किताबें रखी हैं जो मेरी पढ़ने, मेरे ऊपर गिरी कुर्सी मेरे पर, और मैं बस लेटी, और मैंने कहा बस अब तो ये मेरा ये भी टेस्ट होगा दिमाग का। हाँ, और मतलब आपको पता है सब चीज़ें नेगेटिविटी आती है, इंसान यही सोचता है बिल्कुल। तो मैं लेटी रही, मैंने कहा नहीं ये शैतान नहीं चाह रहा मैं नमाज पढूं, इसलिए ये मुझे इसने गिरा दिया। और मैं लेटी रही 10-15 मिनट, फिर मैंने उठ के, मैं उठी, कोशिश करी हिम्मत करके, फिर मैंने पहले कुर्सी उठाई, फिर वो बुक्स उठाई, फिर मैंने कहा नहीं मैं लेट जाऊं क्योंकि मेरा बहुत दर्द हो रहा है और आज डॉक्टर देखेगी तो अब ये ना बोले कि दिमाग का टेस्ट कराऊं, ये सारे टेस्ट। तो मैं उठी, मैंने कहा नहीं नहीं शैतान को तो मैं खुश नहीं होने दूंगी, मैं कुर्सी पे बैठी, मैंने पढ़ी फजर, फिर मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, कुरान रखा था, फिर मैंने कहा नहीं 2 लाइनें पढ़ूंगी, इसको तो नहीं खुश होने दूंगी शैतान को, मैंने सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी, फिर मैं जाके लेट गई। और अब मुझे था डॉक्टर के पास, उसने कहा था कोई दवाई मत खाना, वो एक दिन पहले टेस्ट करते हैं। अच्छा, मेरा शामिर कहता था, बेटा छोटा वाला शामिर कहता था आपको अब कोई बीमारी नहीं है, सब ख़त्म है, सही, अब आपका एक ही इलाज है, अब आपको इसका कराना पड़ेगा। मैंने कहा शामिर फालतू बातें नहीं करा करो, अम्मी लोग कहते थे ना अच्छी बात अच्छी बात से निकालो फालतू बातें, मैंने कहा अब तो मेरा दिमाग का होगा, ये कहता था ना, देखो मैं गिर गई। अच्छा, वो वहम भी आना, वो वहम आप सही, आप जो है ना शैतान जो ये वसवसे डालता है। बस मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा अपॉइंटमेंट था, उसने मुझे डॉक्टर के पास गई, उसने कहा वो पहले देखते हैं बुखार तो नहीं है ये, तो उसने मुझे देखा आपने कोई दवाई तो नहीं खाई, मैंने कहा हाँ पेनाडोल खाई, उसने कहा क्यों, मैंने कहा ऐसे ही मेरे सर में दर्द, मैंने नहीं बताया मैं गिर गई। अच्छा, कुछ भी नहीं बताया, मगर उसने कुछ नहीं कहा कि ये करो, उसने कहा यू आर फाइन जाए। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब मैं गई, मेरे दर्द हो रहा था ये, उसने कहा ये सिटी स्कैन होगा, मैंने कहा बस अब जब तक बिल्कुल अब तो मेरे दिमाग में कुछ है सही, क्योंकि ये सर का दर्द नहीं जा रहा था और ये गर्दन का। अच्छा, मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि कुछ भी हो ना डॉक्टर को हर चीज़ बताएं, और जितना आप सोचते हैं ना वही आपकी नेगेटिविटी होता है। खैर, उसने टेस्ट किया, जब तक रिपोर्ट नहीं आई मुझे लगा अब कोई और, अगर रिपोर्ट क्लियर था तो शामिल मुझे कहता है अब तो ये भी साफ है, अब आपको कुछ नहीं है, आप अब आप सेट है, आप सेट हैं। मैं कहता था, मैंने कहा शामिल प्लीज ये बातें मत करा करो, तो बस वो भी क्लियर आ गया, अल्लाह का लाख, डॉक्टर्स बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी, डॉक्टर अजमीना, डॉक्टर आबदा, रुफीना सुमरो, जितनी नर्सेज हॉस्पिटल में, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कभी ना डरें, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें बेशक, और ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मायूस ना। आज मैं जो खड़ी हूँ, सबकी दुआएं थी,
बिल्कुल अल्लाह का बहुत बड़ा करम था। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होती है, इस तरह इंसान के ईमान की मजबूती का कायम रहना तकलीफ़ में भी, दुख में भी और परेशानी में भी। और हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि नाहिद आपा वाकई मेरा ख्याल है रिकवर होने के बाद ये पहला ही आपका इंटरव्यू इस तरह ऑफिशियल बिल्कुल है, और हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि नाहिद आपा ने हमें ये मौका भी दिया और हमारे साथ इतनी गपशप भी की, और बहुत देर से तो हमारे साथ मसरूफ़ है, और अब तो माशाल्लाह ये वापस वैसे ही 100% पे। जो बड़ी ईद और ये जो खुशियों की बात है इसमें भी हम अगर देखें तो परवरदिगार के मौजात हैं इस सारे वाक़े से। हमें सिर्फ हमें याद रहता है कि कुर्बानी है, गोश्त है, पकना है, खाना है, लेकिन उसकी असल रूह जो है वो ये है कि क्या मौजात है और क्या ईमान है और ये जो बच्चे क्या कुर्बानी है। बिल्कुल बच्चों को मैं ये सब पेपर्स देती हूँ इस पे बिल्कुल फिल इन, क्योंकि बच्चों को नहीं पता। अभी इस दफ़ा मैंने पूछा था कि ये क्यों मनाते बनाते ब्लैंक। अब हमने मैंने उनको लास्ट टाइम भी दिए थे, मैंने उनको क्वेश्चनर्स दिए ये क्या, ये कौन सी जगह है, क्या करना पड़ता है, अच्छे बच्चों को नहीं पता बिल्कुल नहीं पता। तो आप लोगों सबको जो देख रहे हैं प्लीज़ इन चीज़ों को इन्वॉल्व करें। असल हम लोग हो गए दीन से दूर, जब हम दीन से दूर हो गए ना फिर हम परेशान हो गए। सही, तो ये परेशानियाँ हमारी सेल्फ क्रिएटेड हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको सबको ज़िंदगी भी देता है, बीमारियाँ भी देता है, वो भी एक इम्तिहान है, वो मेरा इम्तिहान था। अब अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्राना करूँ, अल्लाह ताला का करम था कि मेरे साथ मेरे बच्चे थे, मियाँ थे जो इतना ख्याल कर रहे थे, हेल्पर्स थे, और मैं मेरी जो दोस्तें मेरी नंदें सब ने इतना ख्याल किया। पूरे एक साल मैंने खाना तो मैं क्या बनाती, मैं उठ भी नहीं सकती थी, सही सब भेजते थे और अल्लाह ने सबके लिए दुआएं, मेरे पास बहुत दुआएं सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत सारा वक्त दिया और बहुत मज़ेदार और बहुत ही सीखने और समझने वाली गुफ्तगू रही, और एक नई नाहिद आपा से आज आपकी मुलाकात करवाई है, जो आपको कम से कम इस वक्त ये नहीं बता रही कि नमक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है। आज वो ज़िंदगी के नमक मिर्च मिठास तलखियाँ तुर्शियाँ तमाम चीज़ों को किस तरह बैलेंस करना है ये बता रही हैं। अपने अंदर के जो आप जी बिल्कुल जो नेगेटिविटी और जो कहते हैं ना वही है ना, हमारी मिठास है, हाँ, हमारी तलखी है, वो हमारी कड़वाहट है, उसको दुरुस्त कर। जैसे कि है अभी बच्चियों से मैंने वो बनवाए थे कुरान, मैंने कहा बस आप ये कार्ड्स बनाने थे कुरान में रखने की जो बुक मार्क इनहेल सबर एक्सहेल शुक्र अंदर सबर लें शुक्र अल्लाह का करें। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत आपने बहुत कीमती वक्त दिया और आपका आने का शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा मुझे और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह है ना। थैंक यू, खुश रहें। थैंक यू नाहिद अंसारी, एक बहुत बड़ा नाम, एक पूरी मुकम्मल दास्तान भी हैं और एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं हर तरह से। आप कुकिंग ही सीखना सिर्फ चाहते हैं लेकिन ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए उन लोगों से जिनके पास बहुत सारी अच्छी सोचें हों, तजर्बे हों और अच्छे ख्यालात हों। आज इस खुशी के मौके पे आपने कोशिश ये करनी है कि अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बाँटें, और जितनी ये नमकीन ईद है इसमें मिठास अपनी ज़ात की, अपने अखलाक की, अपनी गुफ्तगू की और अपनी मोहब्बत की डालें। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।